हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ आवर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। सो इन द लास्ट वीडियो हमने न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट किए थे रिगार्डिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन। सो देयर इज़ वन मोर न्यूमेरिकल वी हैव। सो लेट सी इट्स स्टेटमेंट फर्स्ट। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या बोलती है? डीकम्पोजिशन हो रही है किसकी? N2O5 डीकम्पोजिस टू गिव अस N2O4 एंड ऑक्सीजन। नाउ स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द इनिशियल प्रेशर इज दिस मच एंड आफ्टर 25 मिनट्स ऑफ द रिएक्शन द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 133 mm, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट एवरेज रेट निकालना है हमने। एक तो एटमॉस्फेयर पर मिनट में, एक मोल पर लीटर पर सेकेंड में। ओके, सो इस न्यूमेरिकल को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है? N2O5 गैस मींस गैशियस स्टेट में है, डीकम्पोजेस टू गिव अस N2O4 एंड ऑक्सीजन। ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैशियस फॉर्म। सो हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है? इनिशियल प्रेशर इज दिस मच, mm इज यूनिट ऑफ प्रेशर। इनिशियल प्रेशर, इनिशियल का मतलब क्या? स्टार्टिंग। जैसे ही स्टार्टिंग हुई है तो सारे का सारा इनिशियली हमारे पास क्या होगा? सिर्फ रिएक्टेंट होगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ? इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर मीन्स किसका प्रेशर है? इट इज़ ओनली ऑफ N2O5। हाउ मच? 114 mm। तो इनिशियली प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं, तो इनका प्रेशर कितना है? ज़ीरो। अब कुछ जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट ब्रेक होके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। नाउ हमें गिवन क्या है कि आफ्टर 25 मिनट्स हो गए, उसके बाद हमें गिवन है कि गैशियस मिक्सचर, जो टोटल मिक्सचर है, अब इसने वर्ड मिक्सचर यूज़ किया। अब मिक्सचर का क्या मतलब होगा? पहले मिक्सचर क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि इनिशियली होल इज़ रिएक्टेंट, आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट विल डीकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट भी होंगे, रिएक्टेंट भी होंगे, तो पूरे को क्या बोल दिया? मिक्सचर। अब हम मान लेते हैं कि पी ब्रेक हो गया। अब देखो इसका कोफिशियंट कितने स्टोइकोमेट्रिक? 1 है। इसका भी 1 है। इसका कितना है? हाफ है। इस जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है, इनका मतलब क्या है कि 1 N2O5 एक मॉलिक्यूल में, या मान लो एक मोल ले लें, एक मोल N2O5 ब्रेक होके एक मोल N2O4 दे रहा है और हाफ मोल ऑक्सीजन दे रहा है। ये समझते हैं ना? मतलब एक ब्रेक होके एक ये बन रहा है, हाफ ये बन रहा है। मान लो ये पी ब्रेक हो गया, पी ब्रेक हुआ है, तो ये पी बनेगा और ये कितना बनेगा? P/2। अब टोटल इनिशियल कितना था? 114 था। 114 में से पी ब्रेक हो गया तो कितना बचेगा? 114 - P, क्योंकि हम बेटा यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आफ्टर 25 मिनट्स कितना बचा। जैसे मान लो हमारे पास 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ में से हमने 5 रुपीज़ खर्च दिए, तो बचेंगे कितने? 10 - 5। तो आफ्टर 25 मिनट्स हमारे पास कितना बचेगा? पी इसमें से ख़त्म हो गया तो कितना बचेगा? 114 - P। और ये एक ब्रेक होता है तो एक बनता है, पी यूज़ हुआ तो ये कितना बनेगा? पी। एक यूज़ होता है तो ये हाफ बनता है, पी यूज़ हुआ तो ये कितना बनेगा? P/2। यही इसमें सारा पॉइंट है कि इसको कैसे लिखना है। इनिशियल इतना था, इनिशियली प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं तो वो ज़ीरो है, पी ब्रेक हो गया तो ये पी बन गया, ये कितना बन गया? P/2। दिस इज़ द सिचुएशन आफ्टर हाउ मैनी टाइम? आफ्टर 25 मिनट्स। सब ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है, तो ये पी मीन्स ये भी कुछ प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, और ये लेफ्ट भी कुछ प्रेशर ही है। तो 25 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर मिक्सचर का कितना है? 133। टोटल प्रेशर ये लिखेंगे, ये समझ आ गया ना? मतलब इसका कितना बचा आपके पास? ब्रेक होने के बाद इतना बचा, पी ब्रेक हो गया तो ये पी बना, ये कितना बना? P/2। सो टोटल इज़ दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो यहाँ से पी निकाल लो, अब सॉल्व कर लो, P/2 133 - 114, ये आपका आ गया 19। सो पी हमारा कितना आ जाएगा? 19 × 2 दैट इज़ 38। mm में लिखोगे यूनिट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग mm से किया, mm इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इतना समझ आ गया कैसे हुआ? ठीक है,
अब यहाँ तक इसको हमने यूज़ कर लिया, अब हमने फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन। सो प्रेशर इसमें अब एमएम की बजाय किसमें लेना है, एटमोसफियर में, और टाइम कितने हैं, टाइम तो मिनट में ही है फर्स्ट पार्ट में। तो याद करो रेट क्या होता है, व्हाट इज रेट, रेट बेसिक चीज़ क्या थी, रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। जैसे हम याद करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है टाइम के साथ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो कितनी चेंज आई, कितनी रिएक्टेंट की कम हुई या प्रोडक्ट की कितनी बढ़ी और कितने टाइम में। अब यहाँ पे हमारे पास गैशियस हैं तो हम चेंज इन कंसंट्रेशन की बजाय क्या लिखेंगे, एवरेज रेट निकालना है हमको। सो एवरेज रेट विल बी चेंज इन प्रेशर, चेंज किस में, गैस है तो चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। अब कितना प्रेशर चेंज हुआ है, पहले 114 था, अब कितना रह गया, 114 माइनस पी, तो नेचुरली कितना कम हुआ है, पी कम हुआ है, तो चेंज कितनी आई है, पी प्रेशर की, रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हो तो पी प्रेशर कम हो गया। सो चेंज इन प्रेशर इज पी अपॉन टाइम टेकन, टाइम कितना लगा, 25 मिनट्स, तो पी कितना आया था हमारा 38 mm, सो इट इज 38 mm अपॉन 25 मिनट्स। बट उसने किस में पूछा, एटमोसफियर में, सो व्हाट इज़ द रिलेशन, वन एटमोसफियर इज 760 mmHg, मरकरी लिखते हैं, मरकरी को स्टैंडर्ड लेते हैं बैरोमीटर में, ओके तो mm को एटमॉस्फेयर में चेंज करना है, तो ये डिवाइड बाय 760 अपॉन 25, ये समझ आ गया ना, 760 mm विल बी 180 m, सो हमें 38 में निकालना था, तो ये हो गया 1 अपॉन 760 इंटू 38, यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। सो ये है क्या, बेसिकली रेट निकाल रहे हैं हम, एवरेज रेट है, तो पूछा उसने किस में था, अगेन याद करो पूछा किस में था, कैलकुलेट द एवरेज रेट इन एटमॉस्फेयर पर मिनट। सो एटमॉस्फेयर पर मिनट, ये ऊपर एटमॉस्फेयर आ गया, चेंज इन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, नीचे टाइम मिनट में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यू कैन इजीली सॉल्व इट एंड योर आंसर विल बी 0.0020, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, एटमॉस्फेयर पर मिनट, ठीक है। दिस इज योर एवरेज रेट, किस में हमने सबसे पहले निकाला है, एटमॉस्फेयर पर मिनट में। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, एक बार दोबारा इतना रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, N2O5 decomposes to form N2O4 and oxygen, इनिशियल प्रेशर हमें इतना गिवन था एंड न्यूमेरिकल में क्या बोला था कि 25 मिनट्स के बाद जो टोटल मिक्सचर है उसका प्रेशर 133 है। अब मिक्सचर का प्रेशर बोला है तो नेचुरली कुछ टाइम गैप दिया है, तो ये अंडरस्टूड है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन गए, मैंने उसको मान लिया कि ये हमें इक्वेशन से पता लग रहा है कि एक ब्रेक होता है तो एक बनता है और हाफ बनता है, पी ब्रेक होगा तो पी बनेगा, पी बाय टू बनेगा, जितना ब्रेक हुआ टोटल में से वो माइनस करो, कितना बच गया, 114 माइनस पी, ये कितना बना पी, ये कितना बना पी बाय टू, अब ये टोटल 133, तो यहाँ से पी आ गया कैलकुलेट करके 38 mm, ठीक है जी। सो रेट इज चेंज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर लिख लो, यहाँ पे रिएक्टेंट ले रहे हो, चेंज इन प्रेशर बाय टाइम टेकन, सो mm को मैंने एटमॉस्फेयर में चेंज कर लिया, तो आपका ये आ गया क्या, एवरेज रेट, ठीक है जी। अब उसने आपको और एक चीज़ पूछी है, रेट हमें निकालना है, ये तो हमने एटमॉस्फेयर पर मिनट में निकाल लिया, अब रेट हमें निकालना है मोल पर लीटर पर सेकंड में। अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी, अब ये देखो ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, नाउ एन बाय वी इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। मैंने ये क्यों किया, एन क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या होता है, मोल्स, वी इज द वॉल्यूम जो कि हम लीटर में लेते हैं, सो इट इज़ नथिंग बट कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें जो सेकंड रेट है वो किस में पूछा है, मोल पर लीटर पर सेकंड में पूछा है, इसलिए प्रेशर को मैं मोल पर लीटर के साथ लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डिक्रीज इन प्रेशर कितना आया था हमारा, 38 mm था,
तो अपॉन 760 एटमॉस्फेयर में लेना है। तो आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। स्टैंडर्ड वैल्यू याद है ना हमें, और भी इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूनिट इसमें नीडेड है। इनटू टी, अब स्टेटमेंट में देखो आपका टेम्परेचर कितना था, 200 डिग्री सेल्सियस है। देखो एक बार, 200 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में लेना है, यहाँ पे 273 ऐड कर लो तो ये आपका कितना बन गया, 473 केल्विन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के साथ एटमॉस्फेयर गया, केल्विन के साथ केल्विन गया, तो ये जो आपका आएगा एन बाय वी, इट विल ऑटोमेटिकली बी इन मोल पर लीटर, और इसकी जो वैल्यू आपकी आती है, इसको सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ 0.001 2875 मोल पर लीटर। ये आप करके देख सकते हो, इतनी इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी। अब हमने निकालना क्या था, रेट। अब रेट डिक्रीज इन प्रेशर बाय टाइम टेकन था, वही प्रेशर को मैंने किस में कर लिया, कंसंट्रेशन में, तो बेसिकली यही कंसंट्रेशन वैल्यू आप पुट करोगे, 0.001 2875 मोल पर लीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 25 मिनट्स हैं, सेकेंड हो गए इंटू 60, समझ में आ गया ना। ये रेट हम निकाल रहे हैं किस में, मोल पर लीटर पर सेकंड में। क्लियर है ये चीज़। सो ये अच्छा एक न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से करना है, एक दो बार करोगे तो ये अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सो इट्स आंसर इज 8.58 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन आपका है कि हमें N2O5 गिवन है, चेंजिंग टू N2O4 एंड ऑक्सीजन, इनिशियल प्रेशर जो भी होगा दैट विल बी होल ऑफ द रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ होल ऑफ द रिएक्टेंट ओनली, क्योंकि इनिशियल वर्ड यूज़ किया तो प्रोडक्ट कुछ नहीं है। आफ्टर सम टाइम 25 मिनट्स के बाद कुछ रिएक्शन होगा, तो उसने टोटल प्रेशर दे दिया, टोटल प्रेशर से हमने इसमें से चेंज निकाल लिया कि कितना प्रेशर कम हुआ, दैट इज़ पी। ठीक है जी, उसके बाद उसने पूछा था रेट। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, सो बेसिकली हर चेंज इन प्रेशर एटमॉस्फेयर में था तो हमने उसको एटमॉस्फेयर में चेंज कर लिया अपॉन टाइम। मिनट में ही पूछा था, वही रहने दिया, जिससे फर्स्ट पार्ट नो, सेकंड इज मोल पर लीटर पर सेकंड में भी हमें उसको निकालना था, तो हमने उसको क्या किया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा के एन बाई वी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन में चेंज कर लिया। पी आपका एटमॉस्फेयर में, वही सेम हमने यूज़ किया, आर गैस कांस्टेंट, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर, सेल्सियस में था तो केल्विन में पुट करना है। यहाँ से सॉल्व करके एन बाई वी की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमने रेट निकाल लिया, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन सेकेंड में है, तो ये आपका क्या आ गया, रेट। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको। ठीक है बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल्स रेट्स ऑफ रिएक्शन के आते हैं आपको। सो अब उसी टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, इवन बोर्ड्स में भी, सीबीएसई बोर्ड हो गया आपका, और जो जेई मेन्स है और नीट है, उन सब में एमसीक्यूज आते ही हैं। सिंपल है, कंसेप्ट वही लगने हैं, उसको ऑप्शंस की फॉर्म में दे दिया, आपके लिए और ज़्यादा ईजी ही है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे ये स्टेटमेंट है तो ये देख के, ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हो, और ख़ुद से सॉल्व करके फिर दोबारा वीडियो ऑन करके देखो कि आंसर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, फॉर द रिएक्शन, अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन है, ये क्या गिवन है, क्या है ये डी, दिस क्या है, ये रेट ऑफ किस चीज़ का, रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया के, NH3 है तो अमोनिया किस रेट से बन रहा है उसका रेट है। और पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, याद है ना, जब अकेले अकेले हैं इसका मतलब कॉफिशेंट नहीं है, तो अकेले अकेले का रेट है, कॉफिशेंट साथ में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन है। अब ये पूछा है कि हाइड्रोजन किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब अमोनिया का गिवन है, हाइड्रोजन का पूछ रहा है, इनको लिंक कैसे करोगे, कौन सी आपके पास एक्सप्रेशन, एक ही है हमारे पास, किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में, माइनस dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt।
तो इसमें नाइट्रोजन की तो ज़रूरत है नहीं, एक अमोनिया है, दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। इनको लिंक कर लेते हैं। नाउ डी एच टू बाई डी टी थ्री उधर ले जाओ, थ्री। अच्छा इसकी वैल्यू गिवन है हमें, ये देखो इसकी वैल्यू गिवन थी, वैल्यू पुट की, 2 × 10⁻⁴, टू से टू कट गया तो ये आ गया 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एक का रेट गिवन है, दूसरे का रेट पूछ रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेना, वहाँ से आपको बिल्कुल इनमें रिलेशनशिप मिल जाएगा। सो विच ऑप्शन इज राइट, यस ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने आपको सारा करके दिखाया है, ये चीज़ आप फटाफट अपने जैसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है रफ में करके फटाफट टिक कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड न्यूमेरिकल, सेम पहले खुद से करके देखना है, वीडियो पॉज करके उसके बाद फिर अपने आंसर मैच करना है। कमेंट सेक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हो। फॉर अ रिएक्शन 2x + y गिव्स अस जेड, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड, ये अकेले किसका रेट है, जेड अपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट है उसका रेट इतना है। एंड पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स विल बी, कैसे करोगे, यस बताओ, सेम चीज़ वही एक्सप्रेशन लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dx/dt इज इक्वल टू -dy/dt इज इक्वल टू dz/dt। सो आपको किस किस के साथ डील करना है, z का गिवन है और पूछा किसका है, ये दोनों टर्म्स आपस में डील हो जाएंगी। सो इट विल बी, टू इधर ले जाएंगे, टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, देखो स्टेटमेंट में कितना है, 0.05, सो ये आपका आ गया 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट। सो ऑप्शन कौन सी बैठी, सी, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है न्यूमेरिकल, सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है इसमें। आगे देखो, फॉर द रिएक्शन अगेन N2O5 का डिकम्पोजिशन है, आपको ये गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल है इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू -1/2 dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt इज इक्वल टू dO2/dt। अब देखो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, देखो देखो, फर्स्ट में साइन गिवन नहीं है, सेकंड तो है ये कॉफिशेंट ही गलत है, थर्ड सही है विद साइन, यस सी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी, क्योंकि उसने क्या पूछा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इनमें से हम किस ढंग से लिख सकते हैं, सो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल, द डिफरेंशियल रेट लॉ, क्या करोगे, डिफरेंशियल रेट लॉ वही जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उसी को बोल रहे हैं, लिख के देखो जरा इसका रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट लॉ वही है कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में आएगा आपको रेट लॉ एक्चुअल में क्या होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, बोलो जी, -dH2/dt इज इक्वल टू -dI/dt इज इक्वल टू +1/2 dHi/dt। देखो कौन सा है इसमें से बन रहा है, फर्स्ट ठीक है, नहीं उसमें कोफिशिएंट गायब कर दिया, साइन भी गलत है, सेकंड में कोफिशिएंट नहीं है, थर्ड में अब क्या किया, थर्ड और फोर्थ एक्सप्रेशंस को देखो जो ऑप्शंस गिवन है, इसमें HI का कोफिशिएंट गायब किया है उसने और दूसरी साइड कोफिशिएंट लगा दिए, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन रहा है इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, पूरी इक्वेशन को जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे नहीं है कि एक को कर देना, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई जो भी चीज़ करोगे वो होल इक्वेशन को करनी है, तो dH2/dt मल्टीप्लाई किया है मैंने 2 के साथ, ये आपका बन गया dHi/dt। देखो कुछ बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड तो है ही नहीं ना, क्योंकि इधर भी कुछ नहीं है, सिंपल था, अब देखो कौन सा आ रहा है,
जो थर्ड आपकी ऑप्शन है उसमें हाफ हाफ, तो ये देखो ये नहीं, गलत है, डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है ना। वहाँ पे टू आ गया, इधर टू आया, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऐसे करके पता लग जाएगा कि कैसे क्या उसमें पूछ रहा है, कैसे हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। वेरी गुड। नाउ फिफ्थ न्यूमेरिकल, फिफ्थ एमसीक्यू क्या है हमारा, फॉर द रिएक्शन 4a plus b gives you 2c plus 2d. Select the correct statement. इसमें से सेलेक्ट करनी है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट्स पढ़ के आइडिया लगाते हैं कि हमको क्या करना है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b, रेट के साथ डील कर रहा है, इज 1/4 ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a. आगे देखो अपियरेंस ऑफ c हाफ, इसका मतलब सबके रेट्स को आपस में लिंक किया हुआ है। तो अगेन ये चीज़ निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, अगेन एक्सप्रेशन किसका लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन यस, माइनस 1/4 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी डी बाई डी टी। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी एरा इज 1/4, यस, किसका 1/4, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यस, ये स्टेटमेंट आपकी सही है, उसने सही वाली ही पूछा था। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, उस केसेस में आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत है, इस केस में ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही आपकी आ गई है। क्लियर। वी हैव वन मोर एम सी क्यू फॉर यू, लेट सी, करना वैसे ही है, एक बार खुद से पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, करके देखो, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन इन द रिएक्शन, ए प्लस टू बी गिव्स अस 3c प्लस डी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट डिस्क्राइब, डज नॉट, तो ध्यान देना इसमें, डज नॉट डिस्क्राइब चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसने अभी ये भी देखो क्या है, रेट से लिंक अप किए हुए हैं, बट इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही नहीं है वो पूछा है उसने। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब, कौन सा इसमें से डिस्क्राइब नहीं करता, तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट अगेन किसका, रेट रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी सी बाई डी टी, पॉजिटिव है ये, इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी। अब इसमें गलती होने के चांस क्या है, सिर्फ यही है, उसने डज नॉट डिस्क्राइब, वो वाली ऑप्शन सही है जो डिस्क्राइब नहीं कर रही। तो फर्स्ट देखो डी सी और डी बी, ये रहा एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ कैसे उसने किया हुआ है, डी सी बाई डी टी को एक साइड रख दिया, 3 उधर ले गए, माइनस 3/2 डी बी बाई डी टी, माइनस रीअरेंज कर लो, माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2 डी बी बाई डी टी। सो ये तो हमारा आ रहा है, इसका मतलब ये तो है, उसने कब से डज नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है। अगला ऐसे ही करके देखो, डी डी बाई डी सी, डी डी बाई डी सी, हाँ ये रहा आपका, इन दोनों को लिंक अप करना, क्या ठीक है ये, यस ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये करके देखो आप, अगेन डी बी और डी सी, ये 3 इधर गया 2 इधर आ गया, ये भी सही है। और 4 देखो, डी बी और डी ए, डी बी और डी ए, बोलो ये गलत है, 2 इधर आएगा तो इधर लिखना चाहिए था इसको 2, तो ये वाली सही एक्सप्रेशन नहीं है। अब उसने पूछा वही था कि जो सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपकी बन जाएगी। ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, चाहे बोर्ड हो आपका, चाहे जेई मेन्स है या नीट है। देखो कुछ हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, मोर ओवर आप कोई भी कॉम्पिटिशन की बुक ले सकते हो, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की, पहले आपको बेसिक करना है तो MTG एट इट्स फिंगर टिप्स आती है, उसके बाद और आपको लेवल हाई करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री की एक बुक आती है एन अवस्थी की, आप वो सॉल्व कर सकते हो और डाउट पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में भी, और आपको व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है उसमें भी। थैंक यू सो मच, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।